तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, टाइगर 3 और सिर्फ टाइगर 3। अब बस इंडियन सिनेमा में चारों तरफ यही गूंजने वाला है जिसका हल्ला अभी से शुरू होने लग गया है। देखो 2023 ने एक्शन मूवी का लगा दिया है चस्का अब लोगों को, और जब शेर के मुंह में खून लग जाता है तो वो खून ही मांगता है। मतलब साल की शुरुआत में पठान, उसके बाद भोला, फिर गदर 2 और जवान देखकर लोगों का मन नहीं भरा है अभी तक, और अब टाइगर 3 की डिमांड इन चारों फिल्मों से ज़्यादा करी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा करी जा रही है। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स का बाप मूवी नंबर 1 दिवाली में हमको देखने को मिलेगी, कौन सी? टाइगर 3। और अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं इस मूवी को सिनेमाघर में फटने के लिए, लेकिन लोग अभी से टाइगर 3 की छोटी सी छोटी अपडेट के लिए पागल हुए पड़े हैं। मतलब जो सलमान के सच्चे वाले डाई हार्ट फैन है वो टाइगर 3 से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखो अगर आजकल में ही या हाल फिलहाल में ही टाइगर 3 का टीजर आ गया, बाय गॉड बवाल मच जाएगा। जवान की जो अभी हाइप चल रही है ना, इस हाइप को बीट कर देगी टाइगर की हाइप। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो इस महीने टीजर आना ही नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं तो किसी को कुछ नहीं पता है कि टीजर टाइगर 3 का टीजर के बारे में कि कब आना है कब नहीं आना है। ये जितने भी बोल रहे हैं ना कि टीजर अब आना है तब आना है फलाना ढिमाका, जो भी, किसी को कुछ नहीं पता है। सब अपनी अपनी थ्योरी सेट करके बैठे हैं, सब अपना अपना अजम्पशन बिठा के बोल रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं तो टीजर अगले महीने अराउंड 2 अक्टूबर के आसपास हमें शायद टीजर देखने को मिल जाए, शायद, मैं भी शायद ही लगा रहा हूं यहां पर, या तो अक्टूबर 1st वीक में किसी भी डेट में देखने को मिल जाएगा, बट स्ट्रांग नोट 2 अक्टूबर को ही जा रहा है। दूसरा, YRF इस महीने इसलिए रिलीज नहीं करेगा क्योंकि कल 22 सितंबर को YRF की ही विकी कौशल के लीड में द ग्रेट इंडियन फैमिली जो मूवी है रिलीज हो रही है, और आगे YRF टाइगर 3 को इस महीने फुटेज देने लग गया तो द ग्रेट इंडियन फैमिली का नाम सोशल मीडिया से, ऑनलाइन प्रमोशन से कहीं ऐसी जगह खो जाएगा जिसे YRF को बहुत घाटा उठाना पड़ जाएगा। दैट्स वाई कि इस महीने टीजर आना ही नहीं है। सीधा सा लॉजिक बन रहा है, सीधा सा फैक्ट बन रहा है, क्योंकि YRF एक मूवी के बदले दूसरी मूवी में घाटा नहीं खाना चाहेगा। तो वेट एंड वॉच टाइगर 3 का टीजर अक्टूबर के 1st वीक में, या फिर स्ट्रांग नोट के साथ अगर मैं आपको बताऊं जो खबर मिल रही है या जो खबर रूमर्स में चल रही है, जो ट्रस्टेड हैं, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिनके द्वारा ये रिवील हो रहा है कि 2 अक्टूबर को ही या फिर एक दिन आगे पीछे हमें टीजर देखने को मिल सकता है, 2 अक्टूबर के आसपास में या एक दिन आगे पीछे ले सकते हो। लेकिन 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 मैं बताऊं तो टीजर पे काम हो चुका है, टीजर ये लोग बना के बैठे हैं, टाइगर 3 का टीजर बिल्कुल रेडी है, बस एक सही मोमेंट का कर रहे हैं ये लोग इंतजार, ताकि वहां से जब ये टीजर रिलीज कर दें फिर वहां से लगातार इनके प्रमोशंस चलते रहें टिल रिलीज डेट, दिवाली में जो रिलीज होनी है मूवी। लेकिन अभी तक यही अजम्पशन बैठाया जा रहा है, यही प्रिडिक्शन बैठाया जा रहा है कि अक्टूबर के 1st वीक में ही हमें टीजर कभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि YRF के पास उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट अभी तक लग नहीं रहा है। अगर होते तो ये पहले रिवील कर देते, बट एक बड़ा प्रोजेक्ट वही लग रहा है, और टाइगर 3 जो एक ऐसी मूवी है इसे प्रमोशन के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब जवान आई थी और जब गदर 2 आई थी इन मूवियों के प्रमोशंस 1.5 महीने पहले से चल रहे थे। अगर मैं आपको बताऊं तो जवान का जो प्रीव्यू निकाला था एक टाइप से ट्रेलर ही था, वो लगभग 1.5 महीने पहले निकाल दिया गया था मूवी के, उसके बाद जो फाइनल ट्रेलर निकाला गया था वो 8 से 7 दिन पहले निकाला गया था मूवी रिलीज डेट के। तो टाइगर 3 के साथ भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि मात्र 2 महीने बचे हैं, और यस अब तो ये जायज समय है कि यहाँ पर अब लगातार जो है प्रमोशन चलना ही चलना है। अगर टाइगर 3 को बाप कलेक्शन करना है, अगर टाइगर 3 को ढेर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने हैं, अगर टाइगर 3 को 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करना है, YRF को 1500 करोड़ में इस मूवी को पहुँचाना है, तब इन्हें प्रमोशंस करना ही पड़ेगा अक्टूबर के स्टार्टिंग से। सीधा लॉजिकल फैक्ट है, और यस यहाँ से ये सेंस बना भी रहा है। तो बाकी मैं यही कहूँगा, बस जरा सा सबर, और ये धमाकेदार मूवी भी हमारे उतना ही इंतजार कर रही है, हमारा ये मूवी भी उतना ही इंतजार कर रही है जितना हम इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। बाय गॉड, ये एक कनेक्शन होता है फैंस और मूवी के बीच में, तो ये बड़ी ही प्यारी तालमेल है जो आगे जाके जरूर बैठेगा और सॉलिड बैठने वाला है और सॉलिड फटने वाला है। तो बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।